अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी? क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? कहीं राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए। ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी, ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी। आप कहते हो, नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूँ 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूँ पंकज झा। पंकज का पंच में आज का तो पंच बस इतना ही है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि ये तो उनके घर जैसा है, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, यहाँ से लगातार वो 5 बार सांसद रहे। लेकिन छिलका छुड़ाकर अगर इस सवाल का जवाब हम तलाशें तो फिर सब कुछ सामान्य सा नहीं लगता है, क्योंकि चर्चाएं तो तरह तरह की थी, माहौल भी किस्म किस्म के बनाए जा रहे थे। कहा तो ये जा रहा था कि तैयारी तो मथुरा की है, बांके बिहारी का आशीर्वाद है उनके पास, फिर बीच में बात रामलला की आ गई। ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ से अगर वे चुनाव लड़े तो सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मैसेज जाएगा। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ की ऑफिस के कुछ लोगों ने अयोध्या जाकर बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर डाली और ऐसा माहौल बन गया कि योगी आदित्यनाथ अगर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही होगी। बाबा योगी आदित्यनाथ की जय। राम मंदिर बनने से खुश हैं। यूपी के चुनाव में 2 अखाड़े सज चुके हैं। एक अखाड़ा बीजेपी का है जिसमें 80 बनाम 20 के दांव पर ताल ठोके जा रहे हैं, तो दूसरा अखाड़ा समाजवादी पार्टी के पहलवानों का है जिसमें 85 बनाम 15 के दांव से ये समाजवादी पहलवान अपने विरोधी को चारों खाने चित करने का सपना संजोए हुए हैं। और एक तीसरा अखाड़ा यूपी की जनता भी सजाए बैठी है जिसमें तय होगा कि किस चुनावी पहलवान के माथे को सत्ता के अखाड़े की धूल चूमेगी। अब इन चुनावी दांव को विस्तार से समझिए। बीजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव 80 बनाम 20 के दांव से जीता, मतलब हिंदू बनाम मुसलमान के मुद्दे पर शमशान बनाम कब्रिस्तान का दांव खूब चला था। आज विपक्ष में सबसे बड़े कंटेंडर अखिलेश हैं। उनको लगता है कि 85 बनाम 15 यानी एक तरफ पूरा पिछड़ा दलित और मुस्लिम समाज को जोड़ दे तो 85% 15% अगड़ों के सामने एक मजबूत सियासी नैरेटिव पेश की जा सकती है। इसीलिए बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दूसरे पिछड़े नेताओं को अखिलेश बड़े उत्साह से साइकिल की सवारी करा रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद से भी मिल लिए, लेकिन अखिलेश के चुनावी अखाड़े की मिट्टी अपने शरीर पर लगाने की जगह चंद्रशेखर ने अखिलेश के अखाड़े में पानी डाल दिया, दलित विरोधी होने का पानी। एक महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर, फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी, मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा, 1 सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी। मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई,
उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश है कि सभी जाति धर्म और हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं। ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगा कर किस तरह दी गई हो, सीटों की बातचीत हुई हो, मुद्दों पर बातचीत हुई हो, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का इसमें दिखाई देता है मुझे। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ था और इसके ठीक 11 साल बाद यानी 1967 में लोहिया का देहांत हुआ था। पिछड़ों की राजनीति के प्रेरणा पुरुष थे लोहिया, जबकि दलितों के सबसे बड़े उद्धारक थे अम्बेडकर। इन दोनों के समर्थक तो बहुत निकले, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं निकला जो दलितों और पिछड़ों का स्वाभाविक नेता बन सके। अखिलेश यादव की ताजा कोशिशों की जड़ में मट्ठा मायावती ही डाल रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी है, ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC ST OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। राज्यसभा में फाड़कर मायावती का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन चंद्रशेखर का अखिलेश से पहले मिलना फिर विदकना सवाल खड़े करता है। आखिर अपने समर्थकों को रावण किधर ले जाएंगे? उनका और मायावती का क्या कोई साझा फोरम बनेगा? और बन गया तो अखिलेश के 85 बनाम 15 वाले दांव का क्या होगा? अखिलेश तो नहीं, लेकिन उनके पिता मुलायम सिंह अच्छे पहलवान रहे हैं, अखाड़े के भी और राजनीति के भी, लेकिन वो भी 85 वाला नैरेटिव नहीं बना पाए। तो कह सकते हैं कि बाबूजी धीरे चलना बड़े धोखे हैं इस राह में। उनको तो मैं अब अखिलेश यादव नहीं कहता हूँ, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूँ, लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवसरवादिता कहा जाता है। पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। चुनाव मैथमेटिक्स है तो केमिस्ट्री भी है, इसीलिए वोट की प्रयोगशाला में प्रयोग पर प्रयोग किए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांशीराम और मुलायम वाले केमिकल प्रयोग को अखिलेश ने मायावती संग आजमाया, लैब ही जल गई। अब मायावती से तौबा है, लेकिन इस प्रयोग में और केमिकल नया वाला घोला जा रहा है। लोहिया के साथ अम्बेडकर को भी जोड़ा जा रहा है। अब पिछड़े ही 100 में सिर्फ 60 नहीं पाएंगे, बल्कि लड़ाई को 85 बनाम 15 कर दो। उधर कमंडल से निकले 80 बनाम 20 के जवाब में एक पुराना ब्रह्मास नए हाथ में है। अब मायावती की आज की सक्रियता के बाद से ये तय होगा कि ये ब्रह्मास चलेगा या फिर चूकेगा। अखिलेश यादव ने इस बार के यूपी चुनाव को समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी बना दिया, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। प्रचार से लेकर जमीन पर बीजेपी से वही लड़ते दिख रहे हैं और वे खुलकर पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं। अगर चुनाव इसी मुद्दे पर हो गया, मतलब अगड़ा बनाम पिछड़ा, तो समझिए ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। समाजवादी पार्टी को भी जो जिन 15 के खिलाफ बात करें, उन 15 के भी वोट चाहिए, जैसे वो ब्राह्मण के भी वोट चाहिए उसको, जो और जो जातियाँ हैं उनके भी वोट चाहिए उसको। तो और समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू से भी रही है जो ऊंची जातियों के भी बहुत सारी शक्तियों को अपने साथ लेने का, और 85 भी इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं यही कहना मुश्किल है। तो ऐसे में 15 जिसको करके आप वर्सेस खड़ा कर रहे हैं, उन 15 की भी ज़रूरत। देखिए, जनतंत्र में सबको सबकी ज़रूरत है, यही जनतंत्र की शक्ति है। इसीलिए सभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, सभी दलित सम्मेलन कर रहे हैं, सभी सामाजिक संवाद सम्मेलन कर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी यही हुआ था।
तब लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो गए और उनके सामने नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी थी। उसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर एक बयान आया और उसके बाद पूरा मुकाबला ही अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया और देखते ही देखते बीजेपी सत्ता की रेस से बाहर हो गई। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर यूपी जीतने निकली बीजेपी ने अब अपना सारथी ही बदल लिया है। उसे समझ में आ गया है कि सत्ता की गलियां तो दलित और पिछड़ी जातियों के घरों से होकर गुजरती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 60% टिकट तो इसी समाज के लोगों को दिया गया है। तो क्या चुनाव आते आते बीजेपी ने अपना लाइन और लेंथ बदल लिया है? योगी आदित्यनाथ का अयोध्या को छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कहीं हिंदुत्व की धार को छोड़कर अब बीजेपी के जाति गणित की तरफ मोड़ने का इशारा तो नहीं है? 2015 से ही बीजेपी यूपी में हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर सामाजिक समीकरण के रास्ते से सत्ता की मंजिल पर पहुंचती रही है, लेकिन अब अखिलेश की नजर भी उन्हीं सामाजिक समीकरणों पर है। इसीलिए बीजेपी ने अपनी चुनावी गाड़ी उसी जाति समीकरण की गलियों में मोड़ दी है और अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ABP News आपको रखे आगे।